मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने नागरिकों से लॉकडाउन के चलते फिर एक बार घर में रहने की अपील की है। उन्होंने यह अपील तबलीगी जमात के मसले के बाद की है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का सहकार्य आवश्यक। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से देश को लॉकडाउन किया गया है। बावजूद इसके निजामुद्दीन दिल्ली में तबलीगी जमात का सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया के कोने कोने से 3,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब केरल में 7 लोगों की मौत हुई और उनमें कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। जब उनकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली गई, तब तबलीगी जमात इस कार्यक्रम की बात सामने आई। उन लोगों की तलाश जारी है जो इस मरकज में शामिल हुए थे। नागपुर के कुछ लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जिनकी पुष्टि होने के बाद उन्हें क्वारंटाइन किया गया और अन्य जरूरी ट्रीटमेंट भी किए जाएंगे। साथ ही मुंडे ने अपील की है कि कोई भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाए और प्रशासन के कार्य में सहयोग करे। नागपुर शहर में कोरोना के लिए शासन प्रशासन और कॉरपोरेशन की तरफ से बहुत से मेजर जा रहे हैं, इसमें लोगों का सहकार्य भी मिल रहा है। लेकिन और भी कुछ ऐसे लोग हैं कि कोई मतलब के बिना, कुछ काम के बिना घर के बाहर आ रहे हैं। मेरी अपील है कि अभी आप घर में ही रहिए, पूरा लॉकडाउन में रहिए, जिसके वजह से आपको, आपके फैमिली को ये प्रादुर्भाव न हो, इसके लिए हम मदद कर सकेंगे और ये कोरोना जो है उसका हम प्रतिबंध कर सकेंगे। जैसा आपको पता है कि तबलीगी जमात, इसका जो गैदरिंग निजामुद्दीन दिल्ली में हुआ, वहाँ भारत के कई नागरिक वहाँ पे गए थे और वहाँ से फिर से अपने शहरों में, गाँव में गए। वैसे ही कुछ नागरिक नागपुर पे भी थे, उसमें से 54 ऐसे नागरिक हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको ऑलरेडी क्वारंटाइन किया है, उनका सैंपल लेके वो क्या आगे की चेकिंग चल रही है। मेरा आपको निवेदन है कि नागपुर शहर में जितने भी ऐसे नागरिक हैं वो तबलीगी जमात कार्यक्रम में गए थे और वहाँ से वापस आए हैं, वो खुद को हमें इंफॉर्मेशन दे, हमारे कंट्रोल रूम को इंफॉर्मेशन दे या हमारे हेल्थ विभाग को इंफॉर्मेशन दे, जिसकी वजह से आपको आगे की ट्रीटमेंट करना है, आपको सिम्टम क्या नहीं देखना है, ये हमें देखना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं, फिर भी हमें इन्फॉर्म कीजिए, जब हमारे डॉक्टर आपके पास आएंगे, चेकिंग करेंगे और आप में कुछ इसमें सिम्टम्स है या नहीं ये देखेंगे। इनबीसीएन से दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।